इंदौर में नई ट्रेन के ट्रायल रन पर बड़ा हादसा हो गया है। यहां पर ट्रेन की चपेट में आने से दो छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई। रेलवे ने घटना के बाद जांच के आदेश दे दिए हैं। मृतका का नाम बबली और राधिका, दोनों उम्र 17 साल बताई जा रही है। दोनों छात्राएं 10वीं में पढ़ती थी और कोचिंग से लौट रही थी। हादसा सावेर के लोद रेलवे ट्रैक पर चल रहे ट्रायल रन के दौरान हुआ। नई ट्रेन का ट्रायल पहली बार इस ट्रैक पर किया जा रहा था। इसी दौरान क्रॉसिंग पर छात्राएं ट्रैक पार करने लगीं और वो ट्रेन की चपेट में आ गईं। लसूड़िया पुलिस ने मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। इसकी जानकारी मिली थी, क्या घटनाक्रम रहा, कितने मृतक हुए? आज केलोद हाला कांकड़ के रेलवे ट्रैक पर दो बच्चियों की ट्रेन की चपेट में आने से मृत्यु हुई है, जिनका नाम वो दोनों बच्चियां, एक का नाम राधिका है, एक का नाम बबली। वो दोनों बच्चियां कोचिंग क्लास से अपने घर को लौट रही थी। रेलवे ट्रैक के पास में ही उनका घर है कांकड़ में। रेलवे ट्रैक क्रॉस करने के दौरान जो अभी नया ट्रैक बना है उस पर ट्रेन का ट्रायल रन था, वो ट्रायल ट्रेन की चपेट में दोनों बच्चियां आ गई। उनकी एक सहेली जो उनके साथ में थी, साधना, वो उनसे आगे चल रही थी और वो ट्रैक को क्रॉस करके उस तरफ निकल गई थी। फिर साधना को पता चला कि ये दोनों बच्चियां ट्रेन की चपेट में आ गई। मौके पर ही मौत हो गई। दोनों बच्चियां 10th में पढ़ती हैं और कोचिंग क्लास गई थी। संभवतः उनको ट्रायल ट्रेन की जानकारी नहीं होगी, इस कारण शायद उस नए ट्रैक में वो खड़ी रह गई होंगी और इस कारण से हादसा। अचानक से ट्रेन जो ट्रायल रन है वो अचानक से आया, किस तरीके से जानकारी? नहीं, ट्रायल ट्रेन का रन तो अब ये कहा नहीं जा सकता कि अचानक से था या नहीं, ये तो अब इसकी जानकारी आपको रेलवे से मिल पाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस पूरे रेल हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। तो वहीं मामले को लेकर क्षेत्रीय विधायक और मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि दुख की घड़ी में राज्य सरकार और केंद्र सरकार साथ ही उन परिवारों के साथ है, आर्थिक सहायता के साथ ही दोषियों पर कार्रवाई होगी। बहुत दुखद घटना हुई है। क्या है मतलब? दिल और दिमाग को झकोर देने वाली घटना है। समाज का वो तबका, समाज का वो वर्ग सबसे पीछे और नीचे हैं, उन बेटियों की भविष्य संवारने के हिसाब से शिक्षा ग्रहण के लिए, शिक्षा में 10th और में पढ़ती थी, ट्यूशन से आ रही थी लौट कर, एक रेल आती है, दो बेटियों का जीवन समाप्त कर देती है। इसके लिए मेरे जीवन में से दुखद घटना, दिल और दिमाग को झकोर देने वाली घटना, आज दो बेटियां जो कुछ समाज के तबके की जो मजदूरी कर कर दोनों बेटियों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, उन दोनों बेटियों का चिराग बुझ गया है। ऐसे संकट के दौर में देश की सरकार और प्रदेश की सरकार दोनों उस परिवार के साथ है। इस घटना की संपूर्ण जांच के आदेश कल देश के केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मैंने बात की, उन्होंने जांच के आदेश रतलाम के DRM को दे दिए हैं, जांच हो रही है। यहाँ भी मैंने DM को निर्देशित किया है, इस घटना की संपूर्ण जांच करो, इसमें आप आपके दो जांच चलेगी, उसमें जो भी लापरवाही होगी उस पर कड़ी कार्रवाई की, उस परिवार के लिए मेरा मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ, उनको 4-4 लाख रुपये की सहायता मिल सके, और अभी 1-1 लाख रुपये की सहायता हम दे चुके हैं, और उस परिवार की जो भी मदद होगी पूरे तरह मेरा दावित है, मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि उस क्षेत्र का एक सेवक के नाते मैं पूरा प्रयास करूंगा कि हर इस संकट में जब तक मैं जिंदा उनके साथ खड़ा रहूंगा। तुलसी जी, इसमें गलती किसकी नजर आ रही है, क्योंकि आस पड़ोस का ऐसा कहना है कि उसमें किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई? मैं इसी आपकी बात से आपके समझाने मुझे भी है, इसीलिए दोनों एक नहीं दो जांच हो रही है, रेल विभाग भी जांच कर रहा है और DM कलेक्टर को भी बोला, वो भी जांच कर रहा है, जो दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जांच की बात कही जा रही है, वहीं छात्राओं के घर मातम पसरा है। दूसरी ओर मदद और आर्थिक सहायता की भी बात की गई है। पंजाब केसरी TV के लिए सचिन बेहरानी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें
और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।